लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम नेमत को नेमत समझते ही नहीं। हमारे पास नेमत क्या है आज मादा परस्ती के दौर में? बैंक बैलेंस नेमत है, चमचमाती कारें नेमत हैं, फलक बोस इमारतें, ऊंची ऊंची हवेलियाँ वो नेमत हैं। और हदीस कहती है कि मौसम गर्मा में ठंडा पानी और मौसम सरमा में गर्म पानी, ये भी अल्लाह की नेमत है, ये भी अल्लाह की नेमत है। वक्त है नहीं वरना मैं आपको तफसील बतलाता कि पानी अल्लाह की कैसे नेमत है कि एक एक प्याले के बदले में लोग बादशाह कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। हज़रत सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा जोहर की नमाज़ के लिए निकले, गुरबत और इफ़लास का ज़माना था, पैर में चप्पल भी नसीब नहीं हुई, जोहर की नमाज़ का वक्त, आसमान आग बरसा रहा है, ज़मीन तांबे की तरह तप रही है, गर्म है नहायत, और पैर में चप्पल नहीं, बेख्तियार मस्जिद की तरफ चल रहे हैं। इतनी जलन महसूस हुई कि ज़ुबान से एक जुमला निकला बेख्याली में कि सादी ये भी कोई ज़िंदगी है यार के पैर में चप्पल भी नसीब नहीं हो रही। कहते हैं कि नहीं कहते अपने आप को, ये भी कोई ज़िंदगी है कि पैर में चप्पल भी नसीब नहीं हुई। लेकिन जब मस्जिद के दरवाज़े पर पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक शख्स घुटने से दोनों पैर कटे हुए हैं, उसके कटोरा लेकर मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांगता हुआ बैठा है। फौरन तनब्बो हुआ, चौंक गए, इरशाद फरमाया बारी इलाहा कितना बड़ा आपके नाम एहसान है कि आपने मुझको कम से कम पैर तो अता फरमाए कि मैं यहाँ तक चलकर आया मस्जिद तक, अगर पैर ना होते तो मैं आपके घर तक तो हाजिर भी नहीं हो सकता। अल्लाह मुझसे गुस्ताखी हो गई, मैंने कहा कि कोई ज़िंदगी है कि चप्पल भी नसीब नहीं हुई। फौरन मस्जिद के अंदर गए और सजदे शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला ने पैरों की नियमत मुझको अता फरमाई है।